इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव, टेन स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं होता है ना, सेक स्क्वायर जबकि होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसका मतलब सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव है लेकिन टेन स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव नहीं होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग आइडेंटिटी लगा के हम सेक स्क्वायर में पहुंच जाए, है ना, जिसका एंटी डेरिवेटिव मौजूद है। क्या करेंगे हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री और माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख लिया हमने, ठीक है। अब सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव मौजूद है टेन एक्स, तो इसको अलग अलग कर लीजिए क्योंकि इंटीग्रल जो होता है आपका लीनियर ऑपरेटर होता है, तो ये अलग अलग फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेगा, टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स और माइनस क्या हो जाएगा आपका वन डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा माइनस, और इसका अभी हम लोगों ने बात किया टेन हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ एक्स नहीं है, है ना, यहाँ क्या है आपका टू एक्स माइनस थ्री है, तो ये जो एक्स का कोफिशियंट है ये वन अपॉन में आएगा, ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया, बशर्ते एक इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट भी आपको प्लेस करना पड़ेगा, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।